हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज आपको बताने वाला हूँ आपको जो मैं पढ़ा चुका था उसके बारे में शॉर्टकट में बता रहे हैं। जो चैप्टर के अंदर बहुत सारी इसमें जो है टॉपिक्स थे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हैं चैप्टर में, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे पास, पर मापन क्या होती है आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, माप जो मापन होता है, टेक्निकल लाइन में दो तरह की मापन हम लेते हैं। जिस टाइप से कैसे लेते हैं, एक ब्रिटिश सिस्टम में लेते हैं, एक मेट्रिक सिस्टम में ली जाती है। ब्रिटिश सिस्टम जो होता है वो इंचज वैल्यू होती है और मेट्रिक सिस्टम जो होता है वो आपका एमएम वाला सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, इंचज वैल्यू कम चलती है बट मेट्रिक सिस्टम ज़्यादा चलता है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं चलते हैं, मीटर नहीं चलते हैं, क्या चलता है यहाँ पे, केवल एमएम। कोई वैल्यू लेंगे हम तो 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm, लाइक दिस, इस टाइप से हम उसको इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही हम सारी ड्राइंग्स को बनाते हैं, ठीक है। मैट्रिक में सारी वैल्यू एमएम में ली जाती हैं और ब्रिटिश सिस्टम में सारी वैल्यू किस में लेते हैं। चलिए अगला चलते हैं। माप में क्या होता है, दो टाइप की माप ली जाती है, एक प्रत्यक्ष माप होती है, एक अप्रत्यक्ष माप होती है। प्रत्यक्ष माप का मतलब होता है जो हम बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, हम जज कर रहे हैं कि ये 1 mm है कि 1 इंच है कि 1 मीटर है, इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष माप। इसमें यंत्र जो होते हैं वो स्टूलू आता है, बनने के लिए पर आता है, माइक्रोमीटर आता है, साइन बार आता है, सारे एंगल गेज इसमें आते हैं, ठीक है। उनमें इस पर हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा साइज आ रहा है। एक होती है अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप बहुत सारे टूल्स लिए जाते हैं। अप्रत्यक्ष माप वो माप होती है, उस हम माप तो मेजरमेंट करते हैं, माप लेते हैं बट उससे मेजर नहीं कर पाते हैं कितना साइज है। हमने साइज को ले लिया, इंक्लूड कर लिया, अब उसमें कैसे है किस पे, प्रत्यक्ष वाले पे, तब उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत अलग चीज टाइप के कैलिपर आते हैं। इसमें कैलिपर आते हैं जैसे कि आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, डिवाइडर है, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष माप यंत्र होते हैं। इनसे हम प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं पाते हैं लेकिन दूसरे पर ट्रांसफर करके चीज़ों को हम माप लेते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माप में यही अंतर है, एक प्रत्यक्ष दिखता है, एक अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, ठीक है। इसके बाद में आता है इसी चैप्टर का स्टार्टिंग है रूल बेस्ड है कि रूल और स्केल क्या होता है। रूल अलग चीज़ है, स्केल अलग चीज़ है। रूल क्या होता है, रूल होता है जैसे आप जनरली आप यूज करते हैं स्टील रूल, उसमें सारे क्या है, निशान दो टाइप के निशान बने होते हैं, मिलीमीटर, मैट्रिक, ब्रिटिश सिस्टम, ये दोनों बने होते हैं। इंचेस के नीचे बने होते हैं और एमएम वाले निशान सारे ऊपर बने होते हैं। साइज आप एमएम में चेक करो चाहे इंच में चेक करो, जैसे आपका कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये रूल जो चेक करने वाले होते हैं, ये बेसिक टू, ये आपके वर्कशॉप की सबसे नीडेड बहुत ही अवस्था वाली चीज़ क्या है, स्केल है। कोई भी चीज़ नापनी है, आपको जॉब काटना है, आपको ड्राइंग बनानी है, स्केल से करोगे ना, स्टील रूल से करोगे ना, सारा स्केल से करते हैं हम। और दोनों में अंतर क्या होता है, रूल और स्केल में, रूल क्या होता है, रूल में प्रत्यक्ष माप होती है जो साइज उसमें डन किया हुआ है, बट स्केल जो होता है, स्केल क्या होता है, माना जाता है। कोई लेंथी चीज़ है उसमें हम लाइन किसी भी ड्राइंग को हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम उसे मान लेते हैं कि 2 cm बराबर 1 cm। कोई लंबी चीज़ को बनाना है तो आपकी साइड शीट पर नहीं आएगी, तो क्या करेंगे, उसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, लाइक दिस, इसे कहते हैं हम पैमाना बनाना या स्केल करना, ठीक है। इसमें कई सारे स्केल आते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केल होता है जो कि आपके जनरली आप यूज करते हो, वो स्टैंडर्ड स्केल कहलाता है। उसमें सारे मिलीमीटर के और इंचज के निशान बने होते हैं। इसी में आता है अलग हुक रूल आता है। अब क्या होता है, काम करने तरीके बढ़ जाते हैं। कोई तंग जगह है, कोई डीपली जगह है, कोई गहरी जगह है, कोई बहुत शॉर्ट जगह है, कहीं पे ग्रुप बने हुए हैं, कहीं खांचे बने हुए हैं, तो उनको चेक करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या है कि अलग अलग जो है गेज का निर्माण किया, अलग स्टील रूल बनाए। जैसे कि स्टैंड रूल तो आपको सामान्य वाला स्टील रूल हो गया जो आप यूज करते हो, फिर उन्होंने बनाया हुक रूल। कोई तंग जगह है, हम डायरेक्ट नाप नहीं लेते हैं, तो उन्होंने क्या साइड में हुक लगा दिया, ऐसे खींच के नाप ले लो तो हुक रूल हो गया, मतलब नाम अलग अलग कर दिए। सारा मेजरमेंट वही होता है जो आप मिलीमीटर में चेक करते हो। श्रिंक रूल हो गया, श्रिंक माने क्या होता है, श्रिंक होता है एकदम तंग जगह, कहीं तंग जगह चेक करनी है उसको श्रिंक में यूज कर लेते हैं। शार्ट रूल होता है, शार्ट रूल होता है, शार्ट रूल में क्या, छोटे छोटे टुकड़े रूप में रूल्स होता है उसमें, वो भी खांचे वगैरह चेक करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ऐसे नैरो, नैरो माने क्या होता है, तंग जगह, कोई बहुत स्लॉट्स हैं, खांचे बहुत बारीक पतली जगह है, तो वहाँ पे उस पतले स्टूल रूल को क्या करते हैं, डाल के हम चेक कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल रूल है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीले वाले, जैसे कि मान लीजिए कोई गुलाई वाली जगह है तो कैसे चेक करोगे उसमें, वहाँ पे फ्लेक्सिबल चीज़ होगी तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, घुमा के चेक करेंगे या उसको लगाएंगे तो साइज पूरा वो ले लेंगे उसको, ऐसे फ्लेक्सिबल रूल होते हैं। ऐसे की शीट वाले होते हैं, कोई चाबी घाट कटा है तो वहाँ पे कीपर उसको चेक कैसे करना है, तो उसके लिए की शीट रूल बनाए गए हैं ऐसे। इसके बाद में कैलिपर रूल है, कैलिपर रूल में क्या होता है, जैसे कि बनने कैलिपर होता है लाइक दिस, ऐसे ही होता है वो कैलिपर भी, उससे भी हम किसी चीज़ का डायमेंशन ले लेते हैं। ऐसी है स्टील टैप, ये स्टील टैप एक तरह का ये रूल है जो कि स्टैंडर्डाइज कैसा है, जो बड़े बड़े वर्क में काम आता है, जैसे कि
कोई जगह को नापना है, कोई बिल्डिंग को नापना है, तो आप जैसे कि वो प्लाट्स है तो उसको नापते हैं, तो वो स्टील टाइप होता है वो लंबा, उसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर और इंच के निशान बने होते हैं, फुट के निशान बने होते हैं, मीटर के भी बने होते हैं। ठीक है, नाप लेते हैं इतने मीटर जगह हो गई, इतने गज जगह हो गई, आप उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये बात आ गई आपकी किसकी, रूल और स्केल की। ठीक है, इसमें अगले चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज आती है, टेलीस्कोप गेज में क्या होता है, टेलीस्कोप गेज वो गेज होती है जब हम कोई जॉब बनाते हैं, किसी जॉब का हॉल है, कोई खांचा होता है, उसके हॉल को चेक करने के लिए टेलीस्कोप गेज से चेक करते हैं। क्या करती है, कहा केवल ये जो जॉब होते हैं उनके हॉल चेक करती है। मान लीजिए कोई जॉब है बना हुआ, अब इसको उसका हॉल चेक करना है, इसका साइज कितना है, तो किस तरह होता है, टेलीस्कोप गेज से ये हॉल चेक होता है। ठीक है, टेलीस्कोप गेज जो होती हैं उनमें दो तरफ साइड में रोड लगी होती है, और एक फ्लेक्सिबल होती है, उसको दबाते तो साइज को हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। ध्यान दें, जितनी ये आपकी टेलीस्कोप गेज होती हैं ये अपने साइज से थोड़ा सा ज़्यादा से साइज को चेक कर लेती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल थोड़ी होती हैं। इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 12.7 mm से स्टार्ट होती है, और इनकी जो सबसे लंबी रोड होती है यानी कि बड़ा साइज होता है वो आपका 152.4 mm तक कोई होल है उसको चेक करने के लिए ये टेलीस्कोप गेज हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डायरेक्टली नहीं चेक करती है, क्या करते हैं इसको चेक करने के लिए जो साइज हम ले लेते हैं, तो मान ली साइज हमने ऐसे ले लिया तो उसको मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, क्या करते हैं उस वाले साइज को लेके आते हैं, उठा करके बनने कैलिपर पर लेके आएंगे या उस साइज को लेके आएंगे माइक्रोमीटर पर, माइक्रोमीटर ला के डन करते हैं कि साइज इसका होल कितना है, या उसको सेट कर लेते हैं कि इतना सेट कर लिया साइज में प्रवेश कर रही है तो साइज ओके है, नहीं साइज प्रवेश कर रही है वो तो क्या होगा, साइज अभी आपका बनेगा, और साइज में एकदम फ्लो हो गई यानी कि डायरेक्ट एंट्री मार रही है वो, इसका मतलब साइज का ओवर ओवर हो गया यानी खुल गया, जो चीज़ साइज जो खुल जाता है वो समझ लो जॉब रिजेक्ट हो जाती है। अगर साइज में नहीं घुस रही है तो इसका मतलब वो रिवर्क हो सकती है, क्या वो आपका हैमर का आता है। ठीक है, आप जानते हैं ये भी हैमर भी हमारे वर्कशॉप में बहुत ही नीडेड वाली चीज़ है। सामान्य रूप से जब हम स्टार्टिंग में अपने वर्कशॉप में वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपको पंचिंग करनी है, ठीक है, कोई चीज़ ठोकनी है, कोई मशीन में कोई पुर्जा निकल गया है उसको पुश करना है, तो हमें हैमर का काम क्या होता है, केवल किसी वस्तु को क्या है थ्रो करना और चोट देने का काम ये हैमर करता है। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हो यहाँ काम होते हैं तो छोटे काम के लिए भी हैमर होते हैं, बड़े काम के लिए भी हैमर होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पंचिंग की अभी जॉब में तो उसके लिए भी आपके पास छोटा हैमर था, भारी कार्य करेंगे तो उसके लिए स्लेज हैमर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी बात करते हैं कौन कौन टाइप के हैमर होते हैं। हैमर जो होते हैं आपके दो तरह से होते हैं, एक हैंड हैमर होता है, हैंड हैमर जो होता है हैंड हैमर के अंतर्गत 4-5 हैमर आते हैं। हैंड हैमर क्या होता है, हैंड हैमर जो होता है हैंड हैमर के अंदर कई हैमर आते हैं, जनरली हम हाथ से यूज करेंगे। हाथ से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो हैमर होता है हथौड़ा होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका पहले फेस होता है, सान वाला जो हिस्सा होता है ऐसे लंबाई में वो फेस होता है, फिर उसका एक पैन होता है, पैन माने क्या होता है, पैन माने एक होता है इसकी एक तरह से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पैन कहलाता है, पैन अलग अलग टाइप की होती है, क्रॉस पैन होता है, कोई बॉल पैन होता है, ठीक है, वो नीचे आ रहा है अभी, एक होता है इसमें आई होल, फिर इसमें होता है एक हैंडल, हैंडल आप जानते हो हैंडल पकड़ने के लिए वर्क ही करता है, वो आपको थ्रो करने के लिए काम में लाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें आई होल, जो हैमर होता है उस हैमर के अंदर हमारी आँख होती है लाइक दिस, ऐसा उसमें होल होता है, वो होल इसलिए होता है कि जो उसमें हम हैंडल लगाते हैं तो हैंडल उसमें एंट्री सीधे से गुलाई में करेगा तो बार बार आपका निकल जाएगा हैंडल। आई होल होने से क्या होता है कि उसमें क्या करते हैं हम पच्चर ठोक देते हैं, पच्चर ठोकने से क्या होता है हैमर में जो है एकदम से हैमर निकलता नहीं है, हमारा लगातार उसमें वर्क होता रहता है। तो बॉल पेन हैमर, इसका वर्क जो होता है वह रिवेट वर्क करने के लिए आता है और धातु को बैंडिंग करने मोड़ने में काम आता है। ठीक है, बॉल पेन काम इसमें क्या होता है, इसके ऊपर साइड में बॉल बनी होती है, जो बॉल होता है इसके ऊपर जैसे हथौड़ा बना होता है, तो इसमें क्या होता है इस टाइप से क्या है ये आगे साइड में से बॉल बनी होती है ये गुलाई में ऐसे। ठीक है, बाकी हथौड़ा जो है समान रूप से इस टाइप से बना ही होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बोल बनी होती है, यहाँ पे आई होल बना होता है इसमें, तो यहाँ पे इससे काम करके इसमें हम हैंडल ठोक लेते हैं, तो बोल होने की वजह से इसको क्या है बॉल पेन बोला जाता है। अगला है इसमें इसका वर्क क्या है, रिवेट वर्क और बैंडिंग। रिवेट मतलब जैसे तो जानते हो बाल्टियाँ होती हैं, कौन सी वाली, धातु, आप देखा होगा गाँव में बाल्टी हम यूज करते हैं, घर पर यूज करते हैं, तो उनमें रिवेट लगे होते हैं, तो उन रिबिट से क्या होता है उसको ठोकते हैं, दो पार्टों को जोड़ लेते हैं ऐसे बैंड की और रिबिट से जोड़ देते हैं उसको। पैन इसका काम क्या है, सीट जाब में नालियां बनाने का काम आता है। क्रॉस पैन में क्या होता है, जैसे ये बॉल पैन है ये वाली, इस बॉल पैन को क्या ना गोल नहीं करते हैं, उसमें क्या है वो क्रॉस बन जाती है, ये हिस्सा ऐसे है तो उसमें क्या है आगे जा करके वो गुलाई वाली नहीं होती, वो ऐसे करके ऐसे धार सी बन जाती है इस टाइप से।
इसे बोलते हैं क्रॉस पैन। इसका क्या काम होता है, कोई धातु होती है उसमें नाली बनाने के लिए, जैसे कि चादर होती है, जैसे आपके क्या है अलमारी बनती है, पैन। एक में क्या है इसमें सीट जाब चैनल, इसका काम जैसे ये काम ये वाला, ये काम दोनों का लगभग सेम ही है, सीट जाब में और चैनल में काम आता है। चैनल देखा होगा आपने आजकल दुकानों वगैरह में चैनल लगाते हैं, तो उन चैनल में पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों में जो जगह जो है बीच वाली कम होती है, उसमें उसको जो उसमें कहीं दब जाती है, कहीं पर अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो इस क्रॉस पैन के हल्की चोट मार मार के उनको सीधा किया जाता है। स्लेजहमर क्या होता है, स्लेजहमर बहुत भारी होता है, भारी कार्यों के लिए होता है, उसका वजन होता है वो आपके लगभग 2 किलो से स्टार्ट होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं जो ठठेरे होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, जब मेटल्स को पिघलाते हैं, मेटल को गर्म करते हैं, तो वो स्लेज हैमर का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है सॉफ्ट हैमर, इसका काम क्या है, फिनिश पार्ट को चोट लगाना। फिनिश पार्ट को सॉफ्ट हैमर, जैसे कि हम कोई जॉब बना लेते हैं, राउंड जॉब बना लेते हैं, गोल जॉब बना लेते हैं, या कोई पीतल का जॉब बना लिया कहीं, ठीक है, पीतल के बर्तन बनते हैं, अब उस पर हथौड़ा मारना, कोई गड्ढा पड़ा हो तो कैसे करोगे आप, लोहे वाला मारोगे क्या उस पर, उसमें और गड्ढा पड़ जाएगा। ऐसी चीज़ पे से चोट मारते हैं, उस चीज़ पे जिस पे उसका असर ना हो। तो कोई चीज़ फिनिश वाली है उस पर अगर हम सॉफ्ट हैमर मारेंगे तो वो क्या उसको चोट पहुँचाएगी, नहीं पहुँचाएगी, इसलिए सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। पावर वाला हैमर एक होता है, पावर हैमर, ध्यान दें, पावर हैमर फैक्ट्री में होता है, जब आप देखा होगा जाप बनते हैं, इससे गाड़ियों गियर आते हैं, गाड़ियों की शाफ्टें आती हैं, ये कैसे निर्माण होता है इनका, इनका फोर्ज हैमर उसे इस्तेमाल होता है। क्या होता है, साधारण मेटल को गर्म किया जाता है बहुत अवस्था में, यानी कि लाल पूरा लाल किया जाता है, जैसे कि वो पिघलने वाला हो, उसके बाद में क्या होता है फिर उसको मशीन पर ले जाते हैं, और जो साइज दिया हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास गिलास है या कोई गियर है, तो वो गियर जैसे ही होते हैं और बहुत तेज़ी से ऊपर से पुश होता है करके, तो मेटल फैल जाता है और वही साइज बन जाता है। तो कहाँ होता है काम, जो फोर्ज हैमर होते हैं बड़े बड़े, इतने इतने वजन, इतने चौकर साइज में होते हैं, बहुत वजन के होते हैं, वो धड़ाम से पड़ते हैं, तो वो चीज़ जो है आपकी बेस्ट साइज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आपका सॉफ्ट वाला हैमर है, सॉफ्ट वाले हैमर में कई हरे हैमर आते हैं, वुडन हैमर होता है, रबड़ हैमर होता है, ये भी शॉर्ट वर्क के लिए होता है, रबड़ हैमर, प्लास्टिक हैमर, ये भी प्लास्टिक में, ये भी क्या है, ये भी आपके शॉर्ट वर्क में आता है, क्योंकि जहाँ पे हल्के फुल्के काम होते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर लेदर हैमर है, लेदर हैमर भी बहुत, जैसे सोने चांदी के काम वगैरह होते हैं तो लेदर हैमर का इस्तेमाल करते हैं। लेड हैमर होता है, लेड हैमर का काम भी ये सॉफ्ट हैमर होते हैं सारे, इनका काम भी यही होता है जो ऊपर वाले का इनका काम होता है। ठीक है, छैनी पड़ी है, छीलने से, चिपिंग करने से, इसका नाम छैनी पड़ा। आज बात करें चाबी है, ठीक है, हम बोलते हैं हिंदी में चाबी बोलते हैं, बाकी की बोला जाता है, अब जो भी है, बट ये समूह में है, देखो इनकी आवाज़ कैसी निकल रही, की टाइप की निकल रही, चाबी जैसी, मतलब उस मेटल में खुद ही आवाज़ निकल रही है, चा की आवाज़ से निकल रही है, इसलिए इसको चाबी बोला जाता है। किसी चीज़ का नामकरण सुनना होता है उसके खुद की वॉइस से ही, अपने आप ही जो उसमें रेज निकल रही है उससे निर्माण हो जाता है। जैसे मेटल्स होती हैं अलग अलग टाइप की, कुछ सॉफ्ट मेटल होती हैं, कुछ हार्ड मेटल होती हैं, कोई हाई कार्बन स्टील होती है, कोई हाई स्पीड स्टील होती है। अभी आपको अगले वीडियो बनाएंगे बताएंगे हम आपको कि जो धातु होती हैं, सॉफ्ट धातु होगी उसकी आवाज़ अलग होगी, जो हार्ड धातु होगी उसकी आवाज़ अलग होगी, यानी कि हाई कार्बन स्टील की धातु की जो आवाज़ बिल्कुल अलग होगी, हाई स्पीड स्टील जो होगी जितनी हार्ड होगी उसकी मेटल की आवाज़ और भी आपकी बारीक होती जाएगी। क्यों, आप जानते हैं जब कोई चीज़ हार्ड होती है, हार्ड टेम्पर्ड होती है, तो उसके पार्टिकल्स होते हैं और वो पास पास आते रहते हैं, ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल अगर आप एक गिलास में उसका मेटल रख लोगे गिलास में, तो आप यहाँ जितने छात्र बैठे हो आप उसे उठा नहीं पाओगे, उसमें इतना वजन हो जाता है, जो उसके पार्टिकल एकदम पास 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 हो जाते हैं। जैसे लोहा होता है एकदम वजन वजन होता है, लेकिन लकड़ी उतने वजन की लोगे तो उसमें वजन नहीं होता है। सब किसका कारण है, ये पार्टिकल्स के पास होने की वजह से वो चीज मेटल भारी होती है ना। अगला है इसमें छैनी है, तो छैनी आपका क्या कटिंग टूल है, इसका काम छीलने का काम होता है, इसलिए इसका नाम छैनी है। और दो टाइप की होती है, एक कोल्ड छैनी होती है, एक हॉट छैनी होती है। कोल्ड माने होती है ठंडा, हॉट माने होता है गर्म। जो कोल्ड छैनी होती है ये ठंडे धातुओं को काटने में काम में लाई जाती है, हॉट छैनी जो होती है ये गर्म मेटल्स को काटने में काम लाई जाती है। खास बात देखें आप, जो कोल्ड छैनी होती है इसका जो आगे वाला कटिंग पॉइंट होता है वो हार्ड और टेम्पर्ड होता है, बट हॉट वाली जो छैनी होती है इनके जो पॉइंट होते हैं वो हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होते। कोल्ड छैनी ठंडे कार्यों के लिए, हॉट छैनी गर्म कार्य के लिए होती है, ये हार्ड टेम्पर्ड होती है, बट हॉट वाली हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होती है। इसमें भी अलग टाइप की आती है, एक फ्लैट छैनी होती है, एक रस छैनी होती है, एक डायमंड छैनी होती है। सबसे महंगी कौन सी होती है, डायमंड, आप जानते हो इसमें छोटा पॉइंट लगा होता है आगे डायमंड का,
डायमंड आप जानते हैं संसार की सबसे महंगी धातु होती है। राउंड छैनी होती है, एक काउमात होती है, एक साइड कट होती है, एक बैब छैनी होती है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा था बैब छैनी के बारे में, इसका वर्क क्या होता है। इसका वर्क क्या होता है, चैन ड्रिलिंग करके चिपिंग करना। चैन ड्रिलिंग होती है, इसे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रिल करने होते हैं। ड्रिल करने के बाद कोई मेटल, कोई हमारा ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर से हमने कोई कट निकालना है तो उसमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर से कोई हम कोई प्लेट निकालेंगे तो ऐसे थोड़ी निकल जाएगी, सब में ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। इधर ड्रिलिंग करेंगे, इधर ड्रिलिंग करेंगे, आप कैसे निकालोगे, थ्री पॉइंट रह जाते हैं। तो बैब छैनी इस टाइप से होती है। फिर ये जगह जगह आप चोट मारते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो कटते रहते हैं और साइड से वो पूरा हम प्लेट निकाल लेते हैं। दूसरा काम इनका लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। दूसरा, लैथ मशीन पर जब जॉब को बांधा जाता है तो उसको ट्रू करने के लिए होता है, या किसी जॉब की पैरेलिटी चेक करनी है तो वहाँ भी ये इस्तेमाल होता है। क्योंकि उसका जो पॉइंट होता है उसको हम चेक कर सकते हैं चलाते हुए कि हमारी मेटल जो हमने रखी है वो आपके साइज में है कि नहीं है, प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो ये अलग टाइप के होते हैं, एक साधारण होता है जनरली यूज करते हैं इसको हम, एक नल वाला होता है। नल वाला होता है नलिंग किया हुआ। नलिंग वाले में क्या होता है कि जो स्क्राइबर होता है उसको पकड़ने में आसानी होती है। जैसे आप जानते हो घड़ी जो होती है, घड़ी की जो साइड में आपकी एक चाबी होती है उसमें नलिंग की होती है। अगर वो सीधे से नलिंग नहीं होगी तो आप जब चाबी भरोगे तो वो आपकी फिसल जाएगी हाथ से, ठीक है, नलिंग से, ताकि पकड़ने में कैचिंग पावर बढ़ जाए। एडजस्टेबल होता है, यानी कि छोटा वाला उसे कर सकते हैं एडजस्टेबल। एक होता है पॉकेट टाइप का, पॉकेट मतलब जेब में रखने वाला। कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो बना रहे हो, एक छोटा सा बना लिया, जेब में रख लिया, लव लाइन खींच दी हमने, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसे नोब स्क्राइब होता है, नोब टाइप के होते हैं। ये कॉम्बिनेशन सेट होता है, उसके अंदर ये नोब वाला लगा होता है। नोब माने होता है छोटा सा होता है, ये भी आपके लाइन खींचने ड्रॉ करने के ही काम आता है। इसका लास्ट पॉइंट है पंच। पंच में एक ही आपके एक ही बिंदु है आपका प्रिक पंच, ठीक है। प्रिक पंच इसका कोण 30 से 60 डिग्री के बीच में होता है। इनके काम भी क्या होते हैं, जॉब पे मार्किंग करने के लिए, जॉब पे जो लाइन ड्रॉ की होती है उस लाइन को पक्का करने के लिए का जो काम होता है वो पंच का होता है। पंच जो है वर्क के अकॉर्डिंग कई सारे होते हैं, कई होते हैं। जैसे कि आपका साधारण पंच होता है, प्रिक पंच होता है, सेंटर पंच होता है, होलो पंच होता है, ठीक है, शीट मेटल पंच होता है, सॉलिड पंच होता है, एक बेल पंच होता है। तो ये सारे पंच आप आगे जाकर चैप्टर में विस्तार से पढ़ोगे। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि हमारे जो सेकेंड चैप्टर है इसमें कितने टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आपको मैंने शॉर्टकट में डिटेल में बता दिया है। फिर अगले चैप्टर में आपके लिए आगे ही ऐसे बताएंगे।